नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर गुड आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस आज 23 दिसंबर 2023 है डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल पर हैं पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक आपने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन के बारे में सुना है बट देर इज अ न्यू थिंग इसका नाम है फनफ्लेशन वॉट इज फनफ्लेशन इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं राइट बट बिफोर वी डू दैट डियर फ्रेंड्स लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट अदर टॉपिक्स दूसरा जो टॉपिक है ये यूके के एक एक्स मिनिस्टर ने आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है ग्रीन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी जो है इस पर हमें जोर देने की जरूरत है ब्रिज भूषण सिंह वाला जो केस है ना महिला रेस्लर्स ने जो इल्जाम लगाया तो इसके साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है फिर पाज पंजाब पंजाब में जिस हिसाब से जिस लेवल का ग्राउंड वाटर निकाला जाता है जिस क्वांटिटी में इसको निकाला जाता है तो इसको लेकर पंजाब की क्या सिचुएशन होने वाली है एक रिपोर्ट आया है और जो हमारी एक डिफेंस की पैनल है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस तो इसका रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट में आया है तो क्या क्या इश्यूज हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है सो दिस आर द फाइव टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेकिन एज यू नो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोर्ट से तो ये कोर्ट लिखा है लावो सू ने ए लीडर इज बेस्ट वेन पीपल बेली नो ही एग्जिस्ट वेन हिज वर्क इज डन हिज एम फुलफिल्ड दे विल से वी डेट आवर सब्स क्या खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है यहां पर कि लीडर जो है उसका मेन काम यह रहता है ऐसा नहीं है कि लीडर जो है तो आप उसको देखते ही रह जाएंगे या फिर लीडर जो है वो बहुत ही लाउड होगा लाउड इन द सेंस के हर किसी को पता चलेगा no. वो ये कहते हैं कि लीडर जो है उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये हमारा लीडर है। जब वो लक्ष्य अचीव हो जाएगा वो काम जब फिनिश हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि हमने यह चीज की वी डेड आवर्स हमने खुद यह चीज की यह एक खासियत होती है लीडर की क्या खूबसूरत कोट uh, है फ्रॉम लाउत्सु तो चलिए शुरुआत करते हैं फनफ्ल से ए टेलर मेड शो विलिंगनेस टू स्प्लर्ज ऑन लाइव एंटरटेनमेंट इज रीशेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर पीछे ऑब्जर्व कीजिए जो तस्वीर है लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीर है राइट एज यू कैन सिंगर या गिटारिस्ट आप देख सकते हैं राइट right? यहां पर लोग हैं ऑडियंस अब न्यूयॉर्क टाइम्स और बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स एंड बैंक ऑफ अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट जो है इसको कॉइन किया है नया टर्म दिया है इसको कहते हैं फनफ्लेशन फनफ्लेशन का मतलब क्या होता है इट इज अट ऑफ रिसेंट फिनोमिना जहां पर लोग जो हैं वो हाउस होल्ड बजट कम होने के बावजूद भी मीन जेब में उतने सारे पैसे नहीं है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है ऐसे माहौल में भी लोग जो हैं वो एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको कहते हैं फनफ्लेशन द टर्म डिस्क्राइब्स ए रिसेंट फिन वेर इन पीपल आर विलिंग टू पे स्टैगरिंगली इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर लाइव एंटरटेनमेंट डिस्पाइट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड ड्विंटलिंग हाउस होल्ड बजट बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, है याद रखिए कि जनरली क्या होता है कि जब हमने अभी तक की जो हमने चीजें सीखी हैं सुनी हैं, राइट जो पढ़ी हैं, जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया है इकोनॉमी का तो उसमें यही चीज हमें समझने को मिलती है है कि जब भी इन्फ्लेशन होता है और जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो लोग क्या करते हैं लोग ओवरऑल पैसे खर्च करना जो है वो कम कर देते हैं जब लोन एक्सपेंसिव होती है तो लोग जो है वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे कार घर नहीं खरीदेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे जब ओवरऑल वेजिटेबल या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं एफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब लोग क्या करते हैं लोग बड़ी क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदते हैं जितना चाहिए उतना ही खरीदते हैं राइट right? सो so, अभी तक तो, तो यही चीज थी टिपिकली कंज्यूमर्स जो है वो ऐसे ही बिहेव करते हैं लेकिन अब बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसने ये पाया है कि नॉर्थ अमेरिका में समर 2023 में चीजें एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी लोगों ने एंजॉय करने के लिए फन अचीव करने के लिए लोगों ने पैसे जो है वो ज्यादा खर्च किए और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ये ये चीज़ हो रही है ये दूसरे लोकेशन पर भी आपको इस प्रकार की चीजें है जो है वो देखने को मिल रही आर्टिस्ट sure you know right? uh, 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 एवर और उनका एक uh, एराज टूर जो है तो इस टूर के बारे में ये एस्टिमेशन किया जा रहा है कि इस टूर से पांच बिलियन डॉलर लोग जो हैं वो खर्च करिए पांच बिलियन डॉलर तो इसमें की टिकट भी आ गई साथ साथ लोग ट्रैवलिंग करेंगे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे खाने पीने की चीजें कंज्यूम करेंगे दूसरे खर्च करेंगे तो ये जो एरास टूर है ना ये टेलर स्विफ्ट का तो इसकी वजह से पांच बिलियन डॉलर जो है वो जनरेट होंगे ऐसा नहीं है कि ये पांच बिलियन डॉलर जो है वो टेलर स्विफ्ट की जेब में जाएंगे उनके कॉन्सर्ट की वजह से कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो अप्रोक्सिमेटली पांच बिलियन डॉलर जितनी होगी तो हर एक सौ डॉलर जो लोग खर्च करेंगे यू कैन से कि एक डॉलर लोग खर्च करेंगे तो तीन डॉलर जो हैं उसका एनसीलियरी सिस्टम होती है या फिर जो दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई फॉर uh, uh, ये चीज हम भी करते हैं कि जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं राइट right? तो हम फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो वी गो बाय कार जनरली स्पीकिंग या फिर मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं डिज इन मैटर तो तीन चार दोस्त जो हैं Uh, या फिर फैमिली फ्रेंड्स जो हैं तो वो दो तीन मोटरसाइकिल्स लेकर जाएंगे दो दो लोग जाएंगे एक मोटरसाइकिल पर तो अगर चार मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं तो यू वी आर टॉकिंग अबाउट आठ लोग राइट कार लेकर जा रहे हैं तो पांच से आठ लोग फॉर एग्जाम्पल अब आप वहां पर पहुंचे तो आपने कपड़े पहने नए कपड़े पहनकर गए बीच में यह भी तय हुआ कि रिटर्न में आप खाना खा कर आएंगे राइट right? वहां पर गए तो आपने लेट्स uh, ल कोका कोला पी या फिर कोई ड्रिंक खरीदा तो देखने गए हैं आप फिल्म लेकिन फिल्म की वजह से आपने परफ्यूम भी यूज किया आपने पेट्रोल भी यूज किया आपने कार भी यूज की आपने कोका कोला भी पी रिटर्न में आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो फिल्म की वजह से कितने सारे लोगों को कितनी दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फायदा हुआ तो सेम थिंग गोज हियर एक डॉलर के तीन डॉलर तो यहां पर हंड्रेड डॉलर जब लोग स्पेंड करेंगे लाइव परफॉर्मेंस के लिए तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि 300 डॉलर right? so, कारण है जिसकी वजह से फनफ्लेशन होता है नंबर वन फनफ्लेशन के बारे में या फिर इस प्रकार की चीजें जो होती है फॉर एग्जाम्पल कॉन्सर्ट राइट तो हम अपने ही घर पे अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं आजकल तो जो आए हैं, राइट right? uh, तो वो उतने अच्छी क्वालिटी के आते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी का टाइम थिंग ऐसा नहीं कि हम हर एक कॉन्सर्ट में जाते हैं लेकिन हमारे अगर कोई फेवरेट आर्टिस्ट आर्टिस आते हैं तो डेफिनेटली हम उसके कॉन्सर्ट में जाना पसंद करते हैं तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन वन सॉल हम खुद पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हम खुद को ट्रीट देते हैं कि भाई सौ डॉलर की या फिर हमारे देश में पांच हजार की दस हजार की अगर टिकट है और आप जाते हैं तो इट्स लाइक वंस इन ए लाइफ टाइम थिंग यू विल सही कह भले ही खर्च हो जाए राइट right? मुझे एक बार अरिजीत सिंह या फिर जो भी एक्सेट्रा कोई भी सिंगर है या फिर परफॉर्मर है तो उनको देखना है लाइव देखना है तो ये चीज जो होती है वो हमें हमेशा के लिए याद रहती है दिस इज नंबर थिंग नंबर टू कई बार ये एक प्राइसलेस सीक्रेट एक्सपीरियंस भी रहता है कुछ अलग ही फीलिंग आती है लोगों को राइट एंड यंगस्टर्स जो होते हैं तो उनके लिए ये एक नेचुरल रिएक्शन है कि एग्जिस्टेंशियल ड्रेड जो है तो एंड दूसरे भी रीजंस है तो बेसिकली इट्स अबाउट एंजॉइंग राइट इट्स ऑल अबाउट फन तो इसके लिए लोग जो है वो पैसे खर्च करते हैं एंड uh, ये जो टेलर स्विफ्ट का ये जो शो uh, है तो इसके बारे में इसकी टिकट जो है अराउंड से लेकर 1500 के बीच में है। तो यू कैन एमेजिन के जाएंगे तो, तो ये एक कॉन्सेप्ट है और प्रश्न पूछा जाए ना पूछा थिंग प्रश्न पूछा जाएगा you know, you know अगर नहीं भी पूछा जाता देन वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व है अभी तक क्या था कि हम ये समझते थे कि जब चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो इन जनरल कंज्यूमर्स का बिहेवियर जो है वो ऐसा रहता है कि वो जेब में हाथ उतना जल्दी नहीं डालेंगे लेकिन फनफ्लेशन जिन जगह पर देखने को मिलता है तो वहां पर भले ही चीजें एक्सपेंसिव हो बजट टाइट हो लेकिन लोग जो है वो पैसे खर्च करने के लिए हैप्पी रहते हैं इट कम्स टू टू राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ब्रिज ए न्यू टीम टेक्स ओवर एट डब्ल्यू विल एनीथिंग बी डिफरेंट संजय कुमार सिंह राइट ये ब्रिज भूषण सिंह के एक एसोसिएट रहे हैं और अब वो डब्ल्यू के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं अब यू डब्ल्यू और डब्ल्यू के बीच में जो लीगल इश्यूज थे पे अटेंशन हेयर यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है एक है डब्ल्यू और दूसरा है ये जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है यू तो इन दोनों के बीच में जो लीगल इश्यू चल रहा था ये लीगल इश्यू जो है ये सेटल हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा था तो इसकी वजह से यू जो है वो डब्ल्यू से थोड़ा नाराज था लेकिन अब चीजें जो है वो सेटल हो चुकी है एज फार एज दिस इलेक्शन इज कंसर्न लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रजभूषण साहब पर जो केस चल रहा है तो वो केस खत्म हो गया नहीं राइट ये तो सिर्फ डब्ल्यू का इलेक्शन हुआ है देखिए दिल्ली पुलिस जो है उसने क्या कहा है कि ब्रिज भूषण जो हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं और यह कहा है कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से यह प्रोजिक्यूशन के लिए लायबल है इनको प्रोजिक्यूट करना चाहिए इनके ऊपर जो केस है वो आगे चलाना चाहिए ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है और इन पर क्या इल्जाम थे सेक्सुअल हरासमेंट स्टॉकिंग एंड मोलिस्टेशन ठीक है नफरें अब देखिए एक तरफ दिल्ली पुलिस को यह लगता है कि इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो आगे बढ़ना चाहिए दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्नेल पेस से चल रही है स्नेल की स्पीड से चल रही है इट इंडिकेट्स दैट रेस्लर्स हुए एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप इन जनवरी फॉर प्रोटेस्टिंग ऑन स्ट्रीट्स टू हाईलाइट अनएड्रेस्ड कंप्लेन अबाउट दिस बिहेवियर हैड है केस दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि भाई ब्रिज भूषण इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन इसका मतलब यह है कि हमारी जो रेस्लर्स हैं खास करके जो हमारी बेटियां महिला रेसलर्स हैं तो उन्होंने लास्ट जानुआरी जो दिल्ली की सड़कों पर आकर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए उन्होंने जो धरना किया दैट इट्सल्फ मीनस के आ, उनका उन, उनका जो क्लेम है तो उसमें कुछ तो बात है दिस इज समथिंग दैट वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम डेली पुलिस का स्टेटमेंट दूसरी चीज के यहां पर जो इलेक्शन हुआ है तो ये जो नए डब्ल्यू एफ आई के प्रेसिडेंट बने हैं तो वो पुराने प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड रहे हैं तो क्या पुरानी जो साथीम है उनकी ही ताकत चलेगी क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी थी अगर ऐसा है तो फिर यही मानकर चलना पड़ेगा कि WFI में कोई बड़ा बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड बड़े बड़े नाम जैसे कि साक्षी मलिक राइट अब इतनी बड़ी सुपरस्टार साक्षी मलिक इज ए बिग नेम नॉट जस्ट इन हमारे देश में वर्ल्ड तो ओलंपिक मेडल जीता है इन्होंने, तो so, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसके साथ जो बजरंग पूनिया है तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। लेकिन जिस प्रकार से, जितनी जल्दी उनको मदद मिलनी चाहिए थी उतनी जल्दी नहीं मिली लेकिन उसके बाद फिर उनकी मीटिंग भी हुई थी अमित शाह के साथ हमारे होम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी इसको मैंने एक थरोली कवर किया था छोटी छोटी डिटेल्स जो है डिस्कस की थी होप आपको याद होगा अब ब्रिज भूषण साहब जो हैं तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका जो रेसिडेंस है ना दिल्ली में वही डब्ल्यू एफ आई की ऑफिस हो चुकी है वहीं से ही सारे इंपोर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं अगर ऐसी ही चीज है तो फिर हमारी जो स्पोर्ट्स महिलाएं हैं जो लंबे समय से कंप्लेन करती आई हैं सेक्सुअल अब्यूज की और अलग अलग स्पोर्ट्स में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है तो अगर ऐसा हो रहा है कि ब्रिज भूषण जो है उनको हटा दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी डब्ल्यू के सारे पावर्स अगर उनके पास हैं तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है देखिए आई देखिये अमनोर संग के भूषण साहब जो हैं वो दोषी हैं वो कोर्ट स्टे करेंगे लेकिन क्योंकि उन पर अभी केस चल रहा है तो इट इज बेटर कि पावर्स जो हैं वो उनके पास ना रहें अब देखना पड़ेगा सरकार को देखना पड़ेगा जो लोग अथॉरिटीज में हैं जो लोग पावर में हैं उनको समझना है उनको देखना है कि भाई मीन्स बहुत ही समझदार सुलझे हुए लोग हैं तो वो हम श्योर एक रास्ता निकाल लेंगे इसका कि पावर जो है वो रियली में किसके पास होनी चाहिए उ लेट्स टॉक अब दिस वन नो अल्टरनेटिव टू ग्रीन एनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी सब्सटेंशियल ग्रोथ रिक्वायर्स एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइजेस आउटकम्स लाइक क्लीन ग्रोथ एंड हेल्थी एजिंग मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांसिशनल फोकस ऑन सेक्टर्स नाउ डियर फ्रेंड्स ट्वेंटी थर्टी का ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें जो अचीव करना है दुनिया को अचीव करना है राइट यूनाइटेड नेशन में ये सेवनटीन गोल्स सत्रह गोल्स जो है वो तय किया गया है क्या आपको पता है एक एस्टिमेट यह कहता है कि इनको अचीव करने के लिए हर साल पांच से लेकर सात ट्रिलियन डॉलर की जरूरत हमें पड़ेगी पांच से लेकर सात अभी सौ बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं पांच से सात ट्रिलियन पर ईयर इट्स ए बिग अमाउंट दूसरा जो इसमें कैच है जो कहते हैं ना कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन का मतलब यह है कि अगर मीन्स ये करें या डिले में से भी ऐसा कि अगर आप ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा वो करेंगे समथिंग लाइक दैट राइट कैच ट्रेडिटू या फंस गए तो यहां पर ऐसा है कि अगर आपने पांच से सात ट्रिलियन डॉलर नहीं निकाले और कुछ सालों के लिए अगर डिले होता गया तो फिर चीजें हमारे हाथों के बाहर चली जाएगी दूसरी तरफ ये पांच से सात ट्रिलियन डॉलर निकालना इट्स अ बिग थिंग दुनिया को मिलकर और खास करके डेवलपिंग देशों को इतने सारे पैसे देने की बात आएगी तो दे आई डोंट थिंक सो दे विल बी हैप्पी टू के अलग अलग देश जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बूस्ट करना चाहते हैं राइट और डेवलप्ड देश जो है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं और यह बूस्टिंग में अफकोर्स अब तो यही है कि अब आप पुराने तरीकों से नहीं अब आपको एक हटके सोचना पड़ेगा अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि कैसे हम पूरी सप्लाई चेन को ग्रीन कर सकते हैं और नेट जीरो के टारगेट जो है वो दुनिया भर ने रखे हैं यूके जैसे देशों ने 2050 का टारगेट रखा है भारत जैसे देशों ने 2070 का टारगेट रखा है तो जो चांसलर हैं एक्स चेकर चांसलर ऑफ द दे देकर जेरेमी हंट ये यूके की बात हो रही है यह आर्टिकल जो है ना यह भी यूके के ही एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बेसिकली रिटायर्ड या फिर फॉरमर uh, एक मिनिस्टर ने यह आर्टिकल लिखा है तो इसमें कहा है कि जर्मी हंट जो है तो उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान जो है इसको आउटलाइन किया है और ये एम्बिशियस प्लान जो है तो ये ग्रीन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे ग्रीन इंडस्ट्रीज के माध्यम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं ये सारी चीजें हैं नाउ डियर फ्रेंड्स ग्रीन इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी साइज जो है ट्वेंटी तक ये टेन ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री बनने वाली है और अब ऐसा नहीं है कि आप एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते तो डेवलपमेंट नहीं होगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहते तो एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे नहीं हम दोनों को हमें मींस ये दोनों चीजों को हमें साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा टू कैन गो हैंड इन हैंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इनको इस प्रकार से हमें चीजें करना है कि जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं मूव कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्ड कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्रीन हो और सस्टेनेबल हो राइट right? इस चीज पर हमें फोकस करना पड़ेगा और इनोवेशंस जो हैं वो हर एक अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में भी होने चाहिए जब चांद पर जाने की बात थी तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एयर जो है उस पर ही फोकस किया जा रहा था चांद पर जाने के लिए न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल सॉफ्टवेयर और मल्टीपल सेक्टर में इनोवेशंस जब होने लगे तब जाकर इंसान जो है वो चांद तक पहुंच पाया वैसे ही सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा रिन्यूएबल एनर्जी इज जस्ट वन थिंग पूरी सप्लाई चेन तो कैसा मटेरियल वो मटेरियल हम कैसे पैदा कर रहे हैं उसका क्या कोई नुकसान है नहीं है यू नो यू एंड गो ऑन एंड ऑन बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ हमें मिलकर करनी पड़ेगी आई वुड से इट विल बी मोर लाइक जो कहता है ना होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच तो इस प्रकार से सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा तभी जाकर इसकी चीज मीन्स ग्रीन सप्लाई चेन और सस्टेनेबल फ्यूचर ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन uh, इज समथिंग दैट वी नीड रिन्यूएबल इज इंपोर्टेंट लेकिन सिर्फ रिन्य कुछ नहीं होगा राइट सो जब हम इस प्रकार से काम करते हैं तो बहुत सारे इनोवेशन होते हैं और ये innovations की एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होती है टू नो कि जब छोटे बड़े प्रॉब्लम्स जब मून मिशन के लिए सॉल्व किए गए तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज बनी जो कैमराज हैं तो फिर वो कैमराज फोन में यूज होने लगे फॉइल ब्लैंक बेबी फॉर्मूला और कितने सारे सॉफ्टवेयर जो हैं मेन काम क्या था पृथ्वी से चांद तक पहुंचने का लेकिन उसके लिए जो जो इनोवेशन हुए तो उसका फायदा जो है वो आज भी हमें मिल रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट इज पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स और दोनों जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में चल, चलते हैं अभी तक जिसमें जिन जिन जगहों पर सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं था दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्मनी का यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि जर्मनी की जो स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें क्लाइमेट फ्रेंडली सर्कुलर इकोनॉमिक मोड जो है उसको अपनाया गया है उसके पीछे मेन रीजन ये भी है कि पब्लिक पॉलिसी लोगों ने सरकार को सरकार ने फिर लोगों को फिर इसी के साथ इंडस्ट्रीज को राइट right, सभी को एनकरेज किया कि कैसे हम लो कार्बन प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं और आज जर्मनी में बहुत सारी जगहों पर जो स्टील पैदा किया जा रहा है तो वो बहुत ही ग्रीन uh, स्टील है आप कह सकते हैं राइट बहुत कम कार्बन का एमिशन इसमें होता है सो so, जितने भी ब्राउन सेक्टर्स हैं तो इन ब्राउन सेक्टर्स के लिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स तैयार करने पड़ेंगे उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा एक टीम बनानी पड़ेगी एंड दैट्स हाउ टुगेदर वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है राइट कुछ फैक्चुअल चीजें इसमें है, और इन जनरल बेसिकली पार्टनरशिप और कोलाबोशन की यहां पर बात हो रही है डियर फ्रेंड्स लेट मी इंट्रोड्यूस लिमिटलेस लीडरशिप दोस्तों this is a course, एक प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया है स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी एक चीज जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं दैट इज के ये कोर्स जो है ना ये आपको हमेशा काम आएगा यहां पर कुछ ऐसी चीजें आप सीखेंगे जिसके फायदे जो हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट राइट आप जो भी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं अगर आप इन पर मेडिटेट करेंगे देन यू विल रियलाइज के लीडरशिप क्वालिटी के बिना लीडरशिप की जो स्किल्स हैं इसके बिना हम हमारे ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते तो ये जो प्रोजेक्ट हैं ये जो प्रोग्राम है ये इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको आई वॉन्ट से के स्मूथली चैलेंजेस रहेंगे लेकिन उन चैलेंजेस को लड़ने की क्षमता जो है वो आपको ये कोर्स जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा ठीक है नाउ लेट्स टॉक टॉक अबाउट अबाउट वी हैव दिस थिंग राइट की की बात हो गए, uh, industrial, industrial की बात हो हो गई गई ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ग्रीन ब्रिज भूषण साहब के बारे में ये जो है इसकी बात हो गई चलिए अब ये दो टॉपिक्स जो है वो देखते हैं एक तो है पास्ट पंजाब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट रिमेन अलार्मिंग देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पंजाब के बारे में हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें इसी प्रकार की चीजें हमें पढ़ने को मिल रही है एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है इसका नाम है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया और यह रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज एक्सीडिंग वाटर रिचार्ज बाय एन अलार्मिंग 163 परसेंट इन पंजाब जो वाटर रिचार्ज होता है ना हमारे ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर है तो उसमें जो वाटर रिचार्ज होता है बारिश की वजह से प्रीडोमिनेटली तो ये वोटर रिचार्ज और वोटर एक्सट्रैक्शन का जो रेट है इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया देखिए वोटर एक्सट्रैक्शन जो है इट इज एक्सीडिंग 163 परसेंट तो आप सिंपल एक लॉजिक लगाइए लेट्स से कि ये 100 लीटर की पानी की टैंक है आप इसमें आप हर रोज 10 लीटर निकाल रहे हैं और 2 लीटर ऐड कर रहे हैं कुछ दिनों के अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो पंजाब जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में हमारे देश का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्य है सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान उसके बाद आता है हरियाणा नेशनल एवरेज जो है दैट इज 59 परसेंट यह भी चिंता का विषय है जो लोग मेरे लेक्चर एक लंबे समय से देखते आए हैं जब भी ग्राउंड वाटर की बात आती है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और वो है चाइना और यूएसए वाला तो आप सोच रहे होंगे कि सर बस अब एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल चेंज नहीं हो सकता द रीजन इज कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका भी एक डीप मतलब है एग्जाम्पल क्या है नए स्टूडेंट्स को नहीं पता है मी टेल यू यूएसए और चाइना ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की बात है राइट दुनिया के टॉप टू हैं तो दुनिया के दो बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स जो हैं टाइटन्स जो हैं तो उनमें इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी फैक्ट्रीज ज्यादा होगी राइट बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी और काफी एनर्जी कंज्यूमिंग देश हैं ये दो तो ये दो देश जो है ना ये मिलकर टोटल जितना ग्राउंड वाटर यूज नहीं करते हैं निकालते हैं उससे ज्यादा अकेला हमारा देश भारत जो है वो कंज्यूम करता है ग्राउंड वाटर तो ये एक एग्जाम्पल कई बार दिया है लेकिन ये एग्जाम्पल जो है इसके रिपीट वैल्यू है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा देश जो है वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में दुनिया का सबसे कुछ छोटे देश होंगे शायद रेशियो वाइज ज्यादा निकालते हो लेकिन बड़े बड़े देशों की बात करें तो वी आर परफॉर्मिंग वी आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इसने भी वार्निंग दी है कि पंजाब में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ग्राउंड वाटर एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ टू हंड्रेड मीटर्स विल बी एग्जॉस्टेड इन पंजाब बाय 2090 पता है इसका मतलब क्या है ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये 2029 है अभी 23 में, है तो 2029 में क्या होगी सिचुएशन कि ये मान लीजिए ग्राउंड है तो अभी हंड्रेड मीटर तक आपको पानी मिल जाता है आप, आप ट्यूबवेल करवाएंगे करवाएंगे बोर करवाएंगे तो आपको 100 मीटर तक पानी ऑन एन एवरेज मिल जाता है 2029 में सिचुएशन ऐसी होगी कि 100 मीटर तक आपको पानी ही नहीं मिलेगा आप बोरिंग बोरिंग का, का काम करवाएंगे बोरवेल का काम करवाएंगे तो आपको 100 मीटर से नीचे जाना पड़ेगा और 10 साल के बाद यह है ना 300 मीटर जितना हो सकता है मेनी पार्ट ऑफ द स्टेट है ऑलरेडी रीच हंड्रेड टू टू मीटर्स यू कैन इमेजिन के ऊपर ऊपर से पानी जो है वो हमने सारा जो है वो निकाल दिया है दूसरी चीज इतना नीचे 300, 200 ये सारा पानी जो होता है ना 300 वाला पानी तो इसको तो ड्रिंकिंग और इरिगेशन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता अब पंजाब में इतना ज्यादा पानी क्यों चाहिए द रीजन इसके दो तीन सीजन निकालते हैं किसान पैडी चावल प्रिडोमिनेटली पैडी जो है ये साउथ की ज्यादा आइटम है मींस अगर आप पंजाब का इतिहास देखेंगे तो गेहूं उगाने में पंजाब हमेशा से आगे रहा लेकिन चावल उगाना पैडी उगाना जो है ये उनका काम नहीं था लेकिन ये वॉटर की फैसिलिटी ये सारी चीजें आ गई ट्यूबवेल एक्सेट्रा कैनाल्स आ गई तो ये सारी चीजों की वजह से अलग अलग देश के क्षेत्रों के अंदर किसान जो हैं जो ट्रेडिशनली वो नहीं उगाते थे वो भी चीजें उगाने लगे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर फेल रही है कोई अल्टरनेटिव जैसे कि जो मिलेट्स हैं जिनको क्या नाम दिया है श्री अन याद रखेगा इस चीज को श्री अन तो दैट इज मिलेट्स तो ये मिलेट्स उगाने चाहिए इन राज्यों को लेकिन मिलेट नहीं ये बहुत ज्यादा पानी यूज करने वाले क्रॉप्स जैसे कि चावल को उगाते हैं पैडी को उगाते हैं राइट पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी ये कहा है कि जिन जगहों पर क्रिटिकल वाटर टेबल है वहां पर एक चीज देखनी देखने को मिली है वहां पर सबसे ज्यादा आपको ट्यूबवेल्स देखने को मिलता है सो दिस आर द थिंग्स राइट इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं हम सब जानते हैं कि पानी के बिना जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है और आज हमारे देश में मीन्स पंजाब की खेती जो है वो पूरे देश में इसका इसको खेती की रिस्पेक्ट रहता है रिस्पेक्ट इन देंस एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब की खेती जो है उसकी प्रशंसा की जाती है कि पंजाब के किसान जो हैं तो बहुत मेहनती होते हैं राइट ये सारी चीज़ें लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली पंजाब जो है वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय पंजाबी कल्चर जो है उस पर भी खतरा आ जाएगा जस्ट आप देखेंगे उनके गाने उनके वीडियोस देखेंगे राइट यू विल फाइंड ऑलवेज खेत के साथ जुड़ी हुई यू you नो know, ग्रास रूट लेवल के साथ जुड़ी हुई कॉम है पंजाब के लोग लेकिन जब ग्रास रूट ही नहीं रहेगा तो फिर सारी चीजें पूरी सोसाइटी जो है वो एक बर्बादी की तरफ जो है वो नजर आ रही है विच इज़ ए सैड थिंग बिकॉज पंजाब हमारे देश की हमारे सारे राज्य हैं ही लेकिन पंजाब जो है उसकी भी एक अलग ही बात है अलग यूनिकनेस है तो डर लगता है कि ये खत्म ना हो जाए पैनल फास्ट ट्रैकिंग ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट ए मस्ट एक रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखा गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस का यह रिपोर्ट है और कंसर्न यह चिंता यह है कि इंडियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट चाहिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड हल ने इस चीज को टाइम पर नहीं दिया है यह डिले की वजह से एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो पैदा हो रही है और पैनल जो है उसने ये अपना रिकमेंडेशन दिया है कि हमें हल्की राह नहीं देखनी चाहिए हमें फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ओवर द काउंटर जल्द से जल्द इनको हमें खरीद लेना चाहिए एक रेडी टू फ्लाई कंडीशन में हमें खरीदना चाहिए विदाउट लूजिंग टाइम सो एज टू कीप द फोर्स इन कंफर्टेबल पोजिशन इससे पहले भी दोस्तों आपको याद है ना आई थिंक कल ही हमने इस टॉपिक कल या फिर परसों हमने टॉपिक डिस्कस किया था इसका ये एयरफोर्स वाला टॉपिक यहां पर आप देखिए फिर से

एम आर ए खरीदने के लिए 18 बिलियन डॉलर जो है इसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की थी और विनो कि कल हम बात कर रहे थे एक यहां पर एक चीज है राइट कल परसों वाला जो आर्टिकल था तो उसमें 32 टू की बात हुई है यहां पर 31 वन की बात हुई है राइट तो ये बात तो सच है ये आंकड़ा फिक्स है कि हमारे देश में हमें फोर्टी टू चाहिए लेकिन अभी हमारे पास कुछ थर्टी या फिर थर्टी जितनी स्क्वाड्रंस है देखिए मैंने रिसर्च भी की थी इस चीज पर तो कुछ जगहों पर थर्टी वन कुछ जगहों पर थर्टी टू यह आंकड़ा मिल रहा है तो लेट्स किप इट अब इसको समझने के लिए विकस से कि अभी हमारे पास ऑन एन एवरेज थर्टी जितनी स्क्वाड्रन है हमें चाहिए ट्वेल्व कल हम कल परसों बात कर रहे थे ना कि हमारे जो करंट चीफ हैं, आईएफ के चीफ उन्होंने यह बताया कि ये पांच स्क्वाड्रन ऐड करने में समवेयर अराउंड दस साल जो है वो लग जाएंगे दस साल से ज्यादा का वक्त जो है वो उसमें आ जाए दस साल जितना वक्त जो है वो ऐड हो जाएगा तो एज यू कैन इमेजिन के यहां तक पहुंचने में फोर्टी टू तक पहुंचने में बीस साल या फिर उससे भी ज्यादा वक्त जो है वो लग सकता है तो इतना वक्त जो है वो हमारे पास नहीं है क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारे बहुत बड़े हैं दूसरी एक चीज जो है वो यह है कि डी जो आर में इन्वेस्ट करता है तो ये एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है यह भी एक चिंता का विषय डेफिनेटली है तो दिस आर द थिंग्स राइट अब हमारे देश की मिलिट्री के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया की मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिट्रीज में से हमारी मिलिट्री जो है वो एक है तो अगर हम टॉप लेवल की मिलिट्री टॉप टेन में आते हैं तो अगर टॉप टेन में टॉप फाइव में आते हैं और इस प्रकार की लेक्सिटी इस प्रकार का डिले जो है वो हमारी इमेज के लिए भी सही नहीं है और दुश्मन इस डिले को एक्सप्लोइ कर सकता है तो वी हैव टू यू नो डू वट है वी हैसेसरी हैच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इस कोर्स को अवेल जरूर कीजिएगा इसको खरीदने के लिए चेकआउट स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप ठीक है फोर्टी परसेंट डिस्काउंट भी जुड़ रहा है इसके लिए आपको लीडर फोर्टी ये कोड जो है ना ये कोड इस्तेमाल करना है लीडर फोर्टी और ये रहा इसका स्पेसिफिकेशन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो कोर्स है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स राइट क्योंकि लीडरशिप हमारे जीवन की सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज है राइट right? और लीडरशिप जो है ये आपको मार्केट में से कहीं पर से नहीं लेनी है लीडरशिप इज विद इन यू ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको अनलॉक किया जा सकता है और कैसे कुछ स्टेप्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से We too can start practicing leadership and we can eventually become a limitless leader. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.